नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत त्यागी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं संख्या पद्धति का भाग 16। आप देखते रहना ध्यान से बच्चों, मैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहना बहुत। तो दिया है देखो, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, अगर हम किसी संख्या को बच्चों 296 से भाग देते हैं, 296 से डिवाइड करते हैं, 78 शेष बचता है। जो रिमाइंडर बचता है बच्चों कितना बचता है, 78, और 296 से अगर डिवाइड करते तो 78 रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है। इसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? उसी संख्या को अगर बच्चों 37 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचेगा? 1, 2, 3, 4, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से सोल्व कर लेंगे। इसने कहा है किसी संख्या को अगर 296 से भाग करते हैं और उसी संख्या को बच्चों अगर 37 से भाग करते हैं तो शेष क्या बचेगा। सबसे पहले बच्चों में देखना है कि 296 से जब उस संख्या को भाग करते हैं तो 78 शेष बचता है। अब हमें देखना है 296 37 से भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 296 बच्चों 37 से भाग हो जाता है तो 37 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, इसका एक फैक्टर होगा। अगर बच्चों जो भी संख्या होती है वो अपने फैक्टर से डिवाइड हो जाती है। अगर 296 किसी संख्या को भाग करेगा तो 296 के फैक्टर भी उस संख्या को अवश्य भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर 296 किसी संख्या को भाग करता है तो उसका फैक्टर अगर 37 है, अगर 37 296 को डिवाइड करेगा तो बच्चों 37 भी उसका क्या होगा, फैक्टर ही होगा, गुणनखंड होगा। अगर 37 296 को भाग करता है तो 37 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। तो हम उसके शेष, जो शेष बचा उसी को हम 37 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 37 से डिवाइड हो जाता है 78 तो देखते हैं कितना शेष बचता है, वही शेष इसका बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 37 से 296 डिवाइड हो जाता है तो पहले देखते हैं 237 से 296 डिवाइड होता है कि नहीं। सात के पाड़े में हमें देखना बच्चों 6 कब आता है, सात का पाड़ा पढ़ के देखो। 7, 14, 7, 21, 7, 4, 28, 7, 5, 35, 7, 6, 42, 7, 7, 9, 7, 8, 56, 8 में बच्चों लास्ट में 6 आता है, 56 में लास्ट में क्या आता है 6। देखो 8, 7, 56 का 6, 5, 8, 24 और 5, 29। तो बच्चों देखो 37, 8, 296 होता, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 237 ये 37 जो है बच्चों 296 का क्या एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो इसका मतलब यह है जो संख्या 296 से डिवाइड होगी, जो संख्या 296 से भाग होगी वो 37 से भी अवश्य भाग होगी। 296 से भाग करने पे अगर 78 शेष बचता है तो 78 को अगर हम 37 से डिवाइड करके देखें तो देखते हैं क्या शेष बचता है। 37 का पाड़ा बच्चों देखो इसमें कितनी बार चलता है, दो बार देखो, 7 × 14 = 4, 1 × 3 = 7, कितना शेष बच रहा बच्चों, 37 × 74 आ रहा है, कितना शेष बच रहा बच्चों, 4। तो बच्चों जब उस संख्या को हम 37 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन में, इससे आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, देखो ध्यान से। किसी संख्या को 85 से भाग देने पर 34 शेष बचता है, अगर 85 से भाग करते तो बच्चों 34 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो देख रहे बच्चों 17 85 से भाग हो जाता है, जो 85 है 85 है वो 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, भाग मतलब डिवाइड हो जाता है, 17 × 85 पूरा भाग हो गया। तो इसका मतलब क्या बच्चों, जो संख्या 85 से जो संख्या डिवाइड होगी वो संख्या 17 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, पक्की बात है। 85 से डिवाइड करने में बच्चों 34 रिमाइंडर बच रहा है, पर 17 से अगर 34 को डिवाइड करके देखते हैं तो बच्चों कितना रिमाइंडर बचेगा, 17 × 34 रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 0। तो इसका मतलब 17 से उस संख्या को अगर भाग देंगे तो बच्चों कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका आंसर आ जाएगा डी, इसका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों डी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक संख्या को 13 से गुना करने पर, एक संख्या ऐसी है बच्चों जिसे हम 13 से गुना करते हैं, गुणनफल का प्रत्येक अंक, गुणनफल जो आता है उसका प्रत्येक अंक 5 हो जाता है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है? तो ये संख्या दे रखी है बच्ची छोटी से छोटी, अगर इनको मैं 13 से गुना करता हूं तो हर एक अंक कितना हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए बच्चों। अगर मैं इसमें 5 से 13 से गुना करके भी हम इसे चेक कर सकते हैं ऑप्शन से भी, तो ऑप्शन से भी हो जाएगा बच्चों, मेथड से भी हो जाएगा। मान लो वो संख्या छोटी से छोटी संख्या क्या बच्चों, x मान लो,
एक संख्या को 13 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक क्या हो जाता है बच्चों? 13 से अगर मैं गुना करता हूं तो जो आंसर आता है वो कितना हो जाता है उसका हरेक अंक? 5 हो जाता है। अब मुझे नहीं पता उसमें कितने 5 है, तो बच्चों ये 13 इधर गुना में, जो संख्या गुना में होती है बच्चों मल्टीप्लाई में होती है, बराबर के दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाती है। अब भाग करके देखते हैं बच्चों क्या अंक निकलता है। ये आ जाएगा यहाँ पे 5 5 5, इसे मैं 13 से डिवाइड करता हूँ पहले, जब तक पूरा डिवाइड नहीं होगा बच्चों चलाते रहेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या मुझे इनमें से मैच करनी है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले इसे ले लेते हैं 2 अंक, 13 13 चौका 52 आ जाएगा बच्चों। 4 4 सब में शुरू में आ रहा है, मेरा शुरू में 4 आ गया। अब बच्चों 3 बचा, 5 नीचे उतार। अब फिर से करते हैं बच्चों, 13 2 26 कितने बचे बच्चों? 9। आप बच्चों क्या करेंगे, ये 5 तो यहां पे आ गया, अब एक और 5 बढ़ा लो यहां पे, एक और 5 ले लो, 2 भी सम में आ रहा है बच्चों, दूसरा अंक सम में 2, इसमें भी 2 है दूसरा अंक, ये 4 2 4 2 यहां पे भी 4 2 है। अब अगला देखते हैं बच्चों, 13 5 65 13 13 7 91 13 7 कितना आ रहा बच्चों? 91 91 सत्य किसमें आ रहा है बच्चों? यहाँ पे तीसरा अंक कितना रहा? 7 4 2 7 तो बच्चों ऑप्शन क्या आ गया हमारा? दूसरा, 4 2 7 तो सभी से छोटी संख्या क्या होगी? ये होगी दूसरी। आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं बच्चों, पहली 3 संख्या मैच करके 4 2 7 4 2 7 और किसी में मैच नहीं करता बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या दिया हुआ है, 6 से विभाजित होने वाली, 6 से डिवाइड होने वाली, विभाजित मतलब डिवाइड, डिवाइड होने वाली 3 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? ऐसी कितनी संख्याएं हैं बच्चों जो 3 डिजिट की हैं? 3 डिजिट की संख्याएं बच्चों 100 से शुरू होती है, आपको बताया 100 से शुरू होती है, इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 3 अंक है। तो ये पूछ रहा बच्चों ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 6 से भाग हो जाती है। तो बच्चों इसके लिए मुझे पता होना चाहिए सबसे पहली संख्या क्या होती है और लास्ट कहां पे होती है बच्चों? 999 पे, 3 अंकों की संख्या 999 पे लास्ट हो जाती है। इससे अगली जो संख्या आती है 1000 आती है, उसमें 4 अंक होते हैं, तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100 होती है बच्चों, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999। तो 6 से भाग होने वाली पूछे बच्चों, तो सबसे पहले मुझे देखना है सबसे पहली संख्या क्या है जो 6 से भाग होती है। तो मैं इसे 6 से भाग करके देख रहा हूँ बच्चों, 6 एकम 6 4 बचे 0 नीचे उतारी, 6 6 36 कितने बचे बच्चों? और कितने चाहिए मुझे आगे? 4 4 बच गए, 4 रिमाइंडर बच रहा है। अगर बच्चों यहाँ पे तो पहली संख्या क्या होगी जो पूरी तरह डिवाइड होगी? 100 तो डिवाइड नहीं होता 6 से, क्योंकि 4 से इस बच रहा है, तो 4 अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ बच्चों कितना आएगा? 96, 100 में से 4 बचते 96, पहली संख्या क्या होगी? ये 2 अंकों की है, अब मुझे 6 जोड़ना है इसमें, तो 6 2 0 तो पहली जो संख्या होगी बच्चों, पहली संख्या, अब देखो ये 4 जो बचा था बच्चों यहाँ, 4 6 से कितना कम है बच्चों? 2 कम है, तो पहली संख्या क्या होनी चाहिए जो 6 से भाग हो जाए? 2 और एक्स्ट्रा होने चाहिए ना, 6 का पाड़ा तभी तो पूरा पूरा चलेगा, तो 2 और जोड़ दो 100 में, 100 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों पहली संख्या क्या है? 102, पहली संख्या 102 है बच्चों, जो 3 अंकों की पहली संख्या 102 होती है जो 6 से भाग हो जाती है। नेक्स्ट, इससे अगले वाली 6 और जोड़ दो बच्चों इसमें, 108, फिर 6 जोड़ दो बच्चों, ऐसे आती चली जाएंगी, और सेम ऐसे ही लास्ट वाला क्या नंबर होगा बच्चों जो 6 से भाग होगा? 999 को 6 से भाग करके देखो बच्चों, 6 एकम 6 3 बचे 9 नीचे उतारा, 6 6 36 3 बचे बच्चों 9 नीचे उतारा, 6 6 36 कितने बचे बच्चों? 3। अगर ये 3 नहीं होता बच्चों तो ये 999 इससे पूरी तरह भाग हो जाता, तो इसका मतलब क्या? 3 जो ज्यादा बच रहा है इस 3 को इसमें से घटा दो, 999 में से 3 घटा देंगे तो बच्चों क्या बचेगी लास्ट संख्या? 3 चले जाएंगे तो 996 लास्ट वाली संख्या होगी जो इससे पूरी तरह भाग हो जाएगी 6 से। अब मुझे बताना बच्चों ये संख्या है कितनी, बीच वाली संख्या नहीं है तो वो उन्हें भी पता लगाना है। तो बच्चों इन नंबर्स को काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है, an = a + n-1 × d, ये AP का फॉर्मूला बच्चों 10th क्लास का। an क्या होता है? जो लास्ट वाला नंबर होता है उसे an कहते हैं, अंतिम पद कितना बच्चों? 996। और a क्या होता है बच्चों? पहला पद,
फर्स्ट टर्म जो पहला पद होता है उसे कहते हैं 102 और एन हमें फाइंड करना बच्चों ये कितने नंबर है एन हमें पता लगाना है तो एन ऐसे लिखेंगे बच्चों -1 और डी क्या है बच्चों इनके बीच का डिफरेंस कितना 6 कितने का डिफरेंस है बच्चों 6 का और डी की जगह क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे ये 102 बच्चों इधर प्लस का है बराबर के दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 6 में से 2 गए बच्चों कितने बचे 4 ये 102 इधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों मैं इसे इधर ले आ माइनस कर रहा हूं 6 में से 2 गए बच्चों बचे 4 9 ऐसे आएगा 9 में से 1 चला गया बच्चों बचे कितने 8 तो 894 आया इधर कितना बचा बच्चों एन माइनस 1 × 6 आपको पता है बच्चों जो गुना में होता है वो दूसरी तरफ भाग में डिवाइड में आ जाता है तो 6 इधर गुना में तो दूसरी तरफ किस में जाएगा भाग में अब 6 से भाग कर दो बच्चों 6 एकम 6 2 बचे 29 हो गए बच्चों 29 अब 6 का पारा 29 में पढ़ो 6 चौक 24 29 में से 24 गए बच्चों बचे 5 आ गया कितने गए 54 6 × 54 तो यह आया 149 = n-1 ये 1 इधर माइनस का बच्चों इधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का 149 में 1 जुड़ जाएगा इधर आके तो कितना हो जाएगा 150 तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं बच्चों जो 6 से भाग हो जाएंगी 3 अंकों की तो बच्चों ऐसी कितनी संख्याएं हैं 150 तो इसका आंसर आ जाएगा सी ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है 4, 5 तथा 6 से विभाजित मतलब डिवाइड भाग होने वाली 200 तथा 600 के बीच की संख्याओं की संख्या कितनी है ये बच्चों पूछना चाह रहा है हमसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं 200 और 600 के बीच में 200 के और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 तीनों से भाग हो जाती है ये हमें पता लगाना है तो बच्चों ये देखना क्या है इसमें सेम 4, 5 और 6 से कौन सी संख्या भाग होगी बच्चों सारी संख्याओं से कौन सी संख्या भाग होती है बच्चों इस चीज को समझने के लिए मैंने विशेष तौर पे वीडियो बनाई हुई है एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है अगर बच्चों आपने अभी तक वो वीडियो ना देखे तो उसे जरूर देख लें आपको एलसीएम क्लियर हो जाएगा अच्छे से तो बच्चों 4, 5 और 6 से कौन सी संख्या भाग होती है सबसे पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 6, 4, 5 से तीनों से भाग होती है तो बच्चों वो पता लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इन तीनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेते कैसे बच्चों देखो 4, 5 और 6 जब तीनों संख्याएं कंटिन्यूअस आ जाती हैं तो तीनों की मल्टीप्लाई करने पर मुझे पता लग जाएगा देखो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 2 × 2 = 4 5 ऐसी 2 × 1 = 2 5 ऐसी 3 फिर 3 से कर देंगे बच्चों 3 × 1 = 3 फिर 5 से कर देंगे ऐसे ठीक है बच्चों अब देखो बच्चों कौन सी संख्या आ रही है जो भाग करने का आ रही 5 किया 15 15 × 30 30 × 7 तो इन सब का एलसीएम कितना है बच्चों 60 एलसीएम आया बच्चों 60 तो ऐसी पहली संख्या कौन सी है जो 4, 5 और 6 से भाग हो जाती है वो बच्चों संख्या क्या है 60 पर बच्चों ये जो 60 है ये 200 के और 600 के बीच में तो नहीं है तो हमें पहली संख्या कैसे पता लगेगी हम 6 का पाड़ा पढ़ते चले जाएंगे या 60 का पाड़ा पढ़ते चले जाएंगे हमें पता लगेगी जैसे ही हम 200 से ऊपर जाएंगे तो वो संख्याएं क्या होंगी 2, 4, 5 और 6 से भाग होते चले जाएंगे अब 60 के पाड़े में जितनी भी संख्याएं होंगी बच्चों वो सारी की सारी संख्याएं 4, 5 और 6 से अवश्य भाग होंगी तो 60 का पाड़ा पढ़ते बच्चों 6 × 12 या 60 × 120 6 × 18 या 60 × 180 अब 180 से अगली संख्या जो आएगी बच्चों 200 से बड़ी ही आएगी 6 × 6 = 24 या 60 × 240 तो पहली संख्या क्या है बच्चों 240 है जो 200 से बड़ी है और 600 से छोटी है तो ये 240 इन तीनों से भाग होगा अब इससे अगला देखो बच्चों फिर से 60 जोड़ दो इसमें फिर से 60 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 300 240 में 60 जोड़ा 300 फिर से 60 जोड़ दो बच्चों 360 फिर से 60 जोड़ दो बच्चों 420 फिर से 60 जोड़ दो बच्चों 480 अब फिर से 60 जोड़ दो बच्चों कितना आएगा 520 500 ये आएगा बच्चों 426 ये आएगा बच्चों 540 अब फिर से 60 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 600 ही आ जाएगा अब ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी बच्चों 1 2 3 4 5 6
200 के और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 तीनों से भाग होती हैं, तो बच्चों वो संख्या कितनी है? 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब बच्चों इसे दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, पहली संख्या क्या है बच्चों जो 240 और लास्ट की संख्या क्या है 540। जो मैंने इससे पहले वाले में फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। और अगली संख्या क्या बच्चों 300, तो वही an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से भी आप इसको निकाल सकते हैं बच्चों। an मैंने बताया था आपको लास्ट वाला नंबर होता है, an क्या लास्ट वाला 540 यहां पे लिखेंगे। a क्या होता है जो पहले नंबर होता है उसे ही कहते हैं 240, पहला नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। एन मुझे पता लगाना है ऐसे कितने नंबर है जो 4, 5 और 6 से भाग होंगे। और डी क्या है बच्चों 60, यहाँ पे क्या लिखेंगे 60। 240 इधर प्लस का बच्चों इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 540 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना है बच्चों 0, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गए बच्चों 3, 300 बचे। अब ये 60 बच्चों गुना में है तो इधर किस में आएगा भाग में, मैंने बताया था आपको जो गुना में होता है भाग में आता है, 60 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या बचेगा बच्चों एन माइनस 1, 240 तो इधर जा चुका, 0 से 0 कट गए, 6 5 30, तो कितना है बच्चों ये आया 5n-1, ये माइनस 1 है बच्चों, इधर माइनस का इधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का, 5 और 1 कितने हो जाएंगे बच्चों 6, तो n बराबर आया 6। तो ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी बच्चों 6। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।